एक युवक का शादी था, विवाह। एक व्यक्ति का शादी था, तो कन्या के पिताजी ने शर्त लगाए। कन्या के पिताजी ने कहा कि अगर शादी में कोई बूढ़ा आया तो शादी कैंसिल, बारात में कोई भी बूढ़ा नहीं दिखना चाहिए। अब ये बड़ी समस्या हो गई। ये बात अब लड़की के यहाँ से लड़की के पिता ने कहा। अब इधर घर में सबने बात फैला दिया, नहीं तो बारात जाने में बड़े बूढ़े पहले से तैयार होकर के बैठे थे। बात फैल गया। कन्या के पिता ने कहा है बाराती में कोई बूढ़ा नहीं होना चाहिए, प्यार से बोलो। अब युवक लोग बोले कि अच्छी बात है, हमारे लिए तो अच्छा है, कहीं भी नाचो, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, मस्ती करो, बढ़िया रहा, ये बढ़िया अच्छी बात उन्होंने कह दिया। तो जितने बूढ़े लोग तैयार हो गए थे सबको कह दिया है बारात में जाना नहीं, यही बैठ। अब बड़े बूढ़े बोले कि चलो ठीक है, अच्छा है, हम वैसे भी वृद्ध हो चुके, बुजुर्ग हो चुके, जा करके क्या करेंगे, हम यहीं बैठ करके माला लेकर के भजन करेंगे, नहीं जाएंगे, मन बना लिया। अब जैसे बूढ़े लोग नहीं गए वहीं पर बैठे, लेकिन लड़का का जो नाना था ना, वो कहता ना मैं तो जाऊंगा, मैं मानूंगा नहीं, मुझे तो जाना ही है, चाहे कुछ हो जाए मैं तो जाके रहूंगा। अब कैसे बात को बनाए, अगर कन्या के पिता ने देख लिया एक बूढ़ा आ गया तो विवाह कैंसिल होगा, क्या कर लिया जाए। तो जो गाड़ी जा रही थी उसमें जो सामान वगैरह, भोजन की बर्तन वगैरह जितने सामान रखे थे, उस सामान के बीच में नाना जी को रख दिया, छुपा दिया, कैसे करके मैनेज कर लिया, छुपा दिया। अब जैसे बारात गए, बीच में बहुत बड़ी नदी और नदी पार नहीं किए थे, इस पार बराती थे। अब गाड़ी के अंदर सामान में नाना जी पसीने पसीने हो रहे हैं। अब इतने में नदी पार करने से पहले लड़की के पिता ने एक और संदेश भेजा, एक शर्त में लगाना चाहता हूँ, बरातियों से कह दो अगर नदी में, वो बड़ी सी नदी में शुद्ध दूध, पानी मिला वाला नहीं, शुद्ध दूध अगर बहा देंगे तभी मैं अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार हूँ, शुद्ध दूध होना चाहिए। अब एक संदेश लेकर के आया, सब जवान लोग गए हुए थे बराती में। जैसे वहां से संदेश आया, कन्या के पिता ने कहा है नदी के पानी के जगह में शुद्ध दूध होना चाहिए, तभी शादी करेंगे, दूध बहा दो, दूध की नदी हो तो शादी होगी, नहीं होगी तो कैंसिल। अब यहाँ सभी लोग सोचने लगे असंभव, ये तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, अब शादी नहीं होगी, चलो बारात लौटो वापस, जैसे आए थे वैसे चलो वापस। अब जैसे वापस जाने लगे, एक बोला शादी तो कैंसिल हो ही गया, अब शादी तो होना नहीं, काहे को इस बूढ़ा का प्राण लेते हो, नाना जी को निकालो बाहर। नाना जी बाहर निकले, पसीने पसीने हुए थे, बड़े भीग गए थे अत्यंत, अंदर गाड़ी के अंदर सांस भी नहीं आ रहा था। नाना जी जैसे निकले, क्या हुआ, क्या बात है, क्या संदेश आया, बोले कि नाना जी कन्या के पिता ने कहा है नदी में शुद्ध दूध बहा दो तभी शादी होगी। अब नाना बोला बस इतनी सी बात। युवक लोग बोले बहुत बड़ी बात है, आपको इतनी सी लग रही, तुम एक काम करो, जो संदेश लेके आया है ना उसको बोल दो हम शर्त मानने के लिए तैयार हैं, हमारे पास बहुत दूध रखी है, दूध का इंतजाम हो गया, शर्त हमें स्वीकार है। उससे पहले हमारी एक शर्त है, लड़की के पिता को ये कह दो दूध तो हम बहा देंगे, दूध के नदी तो बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, पहले तुम नदी के पूरे पानी को खाली कर दो, फिर हम दूध बहा देंगे। अब नाना जी ने दिमाग लगाया, जैसे कन्या के पिता तक ये बात पहुंची, उन्होंने कहा पानी खाली करो, उसके बाद दूध बहा देंगे। अब कन्या के पिता ने क्या कहा जानते हैं, थोड़ा एक बार अच्छे से चेक करो, बारात में कोई बूढ़ा आया हो
प्यार से बोलो। हाँ, ये अनुभव सिर्फ बूढ़ों के पास में ही होता है। आज के जवान लोग ये सोच ही नहीं सकते।